गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों को जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर एग्ज़ाम हुआ था उसका आज मैं जीके का क्वेश्चन आंसर तुम लोगों को बताऊंगा। कल मैंने तुम लोगों को एसएसटी का बताया था, आज मैं जीके का क्वेश्चन आंसर। तो इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन था 20 नंबर, विच ईयर आवर कंट्री बिकेम फ्री, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। ऑप्शन दिया गया था 1944, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही आंसर जो है 1947 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन दिया गया था भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर जो है राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। 22 नंबर क्वेश्चन था, हु वाज नोन एज पंजाब केसरी, कौन से ऐसे नेता थे जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। पहला नंबर था जवाहरलाल नेहरू, दूसरा था लाला लाजपत राय। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया था, लाला लाजपत राय के जगह पर राजपत राय लिखा गया था, जो कि गलत था। उसमें थर्ड नंबर ऑप्शन था महात्मा गांधी, मंगल पांडे, ठीक है। तो पंजाब केसरी जो था वो लाला लाजपत राय, कौन थे पंजाब केसरी के नाम से जो जाने जाते थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। 23 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें था कि इन विच कंट्री ईफिल टावर इज सिचुएटेड, कौन सा ऐसा देश है जिसमें ईफिल टावर स्थित है, कौन सा ऐसा देश है जहां ईफिल टावर है। ऑप्शन दिया गया था इटली, इजिप्ट, चाइना, फ्रांस। तो इसका सही आंसर जो है फ्रांस है, क्या है फ्रांस। 24 नंबर जो क्वेश्चन था, विच प्लांट गिव अस ऑयल, कौन सा ऐसा पौधा है जो हमें तेल देता है, जिसे हम लोग तेल निकालते हैं, कैरोट, सनफ्लावर, स्पिनक, मैंगो। ये चार ऑप्शन दिया गया था, इसमें से सही आंसर जो है वो सनफ्लावर है, इसका हम तेल निकालते हैं, इससे तेल निकालते हैं अपने काम में लाते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन था, विच ट्री गिव अस वुड फॉर फर्नीचर, कौन सा ऐसा ट्री है जिसके लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं। पहला नंबर ऑप्शन था बनाना ट्री, बम्बू ट्री, टिक, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है वो टिक है। 26 नंबर क्वेश्चन, इन विच कंट्री ग्रेट वॉल इज सिचुएटेड, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर ग्रेट वॉल है स्थित है, फ्रांस, इटली, इजिप्ट, चाइना। इसका सही आंसर जो है ग्रेट वॉल जो है वो चाइना में है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें क्वेश्चन दिया गया था, विच मशीन गिव अस हॉट वाटर फॉर ए बाथ, कौन सा ऐसा मशीन है जो गर्म पानी देता है, हम लोगों को गर्म पानी देता है और जिससे हम लोग स्नान करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन था टर्च, रेफ्रिजरेटर, आयरन, गीजर। तो हम लोगों के घर में देखते हैं बाथरूम में गीजर लगा रहता है जो कि गर्म पानी देता है जिससे हम लोग स्नान करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है गीजर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच मशीन कीप द रूम कूल, कौन सा ऐसा मशीन है जो हमारे रूम को ठंड रखता है। पहला नंबर क्वेश्चन था ऑप्शन था टर्च, एसी, टीवी, आयरन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एसी, जिसको एयर कंडीशन बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन था, विच मशीन आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द हाउस, कौन सा ऐसा मशीन है जिसका यूज हम लोग करते हैं घर की सफाई करने में, अलार्म क्लॉक, कुकिंग स्टोव, हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर। तो इसका सही आंसर जो होगा, अलार्म क्लॉक तो नहीं होगा क्योंकि यह हमें समय बताता है, कुकिंग स्टोव इस पर हम लोग खाना बनाते हैं, हेयर ड्रायर जो बाल साफ़ करता है, वैक्यूम क्लीनर जो होता है ये गंदगी को क्लीन करता है।
तो इसका सही आंसर जो होगा ये हमारा वैक्यूम क्लीनर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन था, ऑन विच फेस्टिवल सिस्टर टाई राखी ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर। कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर, रिस्ट मतलब कलाई पर, राखी बांधती है। पहला नंबर ऑप्शन था बैसाखी, ओनम, रक्षाबंधन और पोंगल। तो इस चार ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, रक्षाबंधन। 31 नंबर क्वेश्चन जो था इसमें था, ऑन विच फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु पीपुल वर्शिप द काउ। कौन सा ऐसा त्यौहार है तमिलनाडु का जिसमें लोग पूजा करते हैं गाय की। इसमें चार ऑप्शन दिया गया था, ओनम, ईस्टर, बैसाखी, पोंगल। इसका सही आंसर है पोंगल। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल मार्क्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हमें बताता है द बर्थडे ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, जो जिस उस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, बुद्ध पूर्णिमा और पोंगल। इसका सही आंसर जो है जन्माष्टमी है। इसी दिन हम लोग भगवान कृष्ण को उनके जन्मदिन के रूप में याद करते हैं। हु इज़ ए रेसलर, नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज़ ए रेसलर। चार ऑप्शन दिया गया था, पहला था लिएंडर पेस, सेकेंड सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, थर्ड नंबर था साक्षी मलिक, फोर्थ नंबर था सानिया मिर्जा। इसका सही आंसर जो है वो साक्षी मलिक, जो एक रेसलर थी। हु हैज़ वोन द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 5 times। कौन ऐसा वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप है व्यक्ति जो 5 times जो है चेस में अपना नाम रोशन किया। पहला था MS धोनी, सेकेंड ऑप्शन था विश्वनाथन आनंद, थर्ड में N कार्तिकेन, फोर्थ नंबर था सुनील छत्री। इसमें सही आंसर जो है विश्वनाथन आनंद, जिसने 5 बार वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जीता। नेक्स्ट था विच इज़ ए मुस्लिम फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग। कौन सा ऐसा मुस्लिम फेस्टिवल है जो हम लोग मॉर्निंग के रूप में मनाते हैं, ईस्टर, ओनम, मुहर्रम, पोंगल। तो ये जो मुस्लिम का जो त्यौहार है उसका नाम है मुहर्रम। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हम लोग, ये हमें बताता है जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म के रूप में हमें बताता है। पहला था रक्षाबंधन, सेकेंड बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, बैसाखी। इसका सही आंसर है बुद्ध पूर्णिमा। हु इज़ द ओनली इंडियन वुमेन टेनिस प्लेयर टू विन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। कौन ऐसे भारत की इकलौती औरत टेनिस प्लेयर है जिसने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। ऑप्शन दिया गया था सानिया नेहवाल, सेकेंड सानिया मिर्जा, थर्ड साक्षी मलिक, फोर्थ लिएंडर पेस। इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट। चार ऑप्शन दिया गया था, पहला था पोटैटो, राइस, मैंगो, ग्राम। इसका सही आंसर है मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अस फाइबर। कौन सा ऐसा पौधा है जो हमें फाइबर देता है। पहला ऑप्शन था टीक, सेकेंड कॉटन, थर्ड स्पिनक, फोर्थ कैबेज। इसका सही आंसर है कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेवरेज वी गेट फ्रॉम प्लांट। बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, वह जो हमें पौधे से मिलता है वो कौन सा है। ऑप्शन दिया गया था तुलसी, कॉफ़ी, ओनियन, ग्राम। इसका सही आंसर है कॉफ़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच लीडर वाज नोन एज नेताजी, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दिया गया था, पहला मोदी, सेकेंड महात्मा गांधी, थर्ड सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ भगत सिंह। इसका सही आंसर था सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच कंट्री सिडनी ओपेरा हाउस इज सिचुएटेड, कौन सा ऐसा देश है जहां सिडनी ओपेरा हाउस स्थित है। पहला ऑप्शन है यूएसए, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ इजिप्ट। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच मशीन हेल्प अस टू ड्राई वेट हेयर क्विकली, कौन सा ऐसा मशीन है जो हमें जल्दी से हमारे बाल को सुखा देता है। पहला ऑप्शन था वैक्यूम क्लीनर, सेकेंड गीजर, थर्ड टर्च, फोर्थ हेयर ड्रायर। इसका सही आंसर है हेयर ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच मशीन वी कुक फूड, कौन सा ऐसा मशीन है इस पर हम लोग खाना पकाते हैं। ऑप्शन दिया गया था आयरन, कुकिंग स्टोव, मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर। इसका सही ऑप्शन है, आंसर है कुकिंग स्टोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन दिया गया था लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑन विच डेट इंडिया बिकेम फ्री, किस डेट को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। ऑप्शन दिया गया था 25 अगस्त, 20 अगस्त, 13 सितंबर, 15 अगस्त। इसका सही आंसर है 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड इन द डार्क टू सी थिंग्स, कौन सा ऐसा जिस मशीन है जिसका उपयोग हम लोग अंधेरे में देखने के लिए करते हैं। ऑप्शन दिया गया था गीजर, आयरन, टॉर्च, टीवी। इसका सही आंसर है टॉर्च, जिसके द्वारा हम लोग रात में अंधेरे में देखने के लिए उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑन विच फेस्टिवल चिल्ड्रेन इंजॉय फ्लाइंग काइट्स, कौन किस त्यौहार को बच्चे जो है पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। ऑप्शन दिया गया था बैसाखी, बसंत पंचमी, मुहर्रम, पोंगल। इसका सही आंसर है बसंत पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिकेटर, निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिकेटर है। पहला ऑप्शन था साक्षी मलिक, सेकेंड सुनील छेत्री, थर्ड सानिया मिर्जा, फोर्थ MS धोनी। इसका सही आंसर है MS धोनी। लास्ट क्वेश्चन था, वी टेक लंच इन द हम लोग लंच लेते हैं कब लेते हैं। ऑप्शन दिया गया था मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। इसका सही आंसर है आफ्टरनून। तो इस तरह से जो हम ऑनलाइन पेपर का एग्ज़ाम हुआ है SST और GK का, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके तुम लोगों को बताया गया। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। आगे फिर अगले चैप्टर में हम इसके लिए बात करेंगे। धन्यवाद, हो गया।